तो क्या हाल है आप लोग? मैं कहता था बढ़िया हो गया। तो एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे YouTube चला रहा था और मेरे सामने आई एक वीडियो, अनुपम खेर की वीडियो। भाई साहब, और उस वीडियो में एक ऐसा ज्ञान था जो कि बहुत जरूरी है। हाँ मोबाइल, ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये पत्रियां खा गया, टॉर्च लाइटें खा गया, किताबें खा गया, उसकी दोस्ती मेल मिलाप खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया, ये लोगों की तंदुरुस्तियां खा रहा है। मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। ये बातें सुनकर मैं ढूंढने निकल कि फोन ने और क्या क्या खाया है। तो मुझे पता चला कि फोन के सारे काम थे फोन के एप्लीकेशंस करती है, और ये एप्लीकेशंस कुछ भी कर सकती है। तो ये है फ्लैशलाइट का ऐप। मेरे हिसाब से फ्लैशलाइट का ऐप देना जरूरी नहीं था, क्योंकि फोन्स में फ्लैशलाइट चालू करने का बटन पहले से ही आता है। ब्राइटेस्ट एंड फास्टेस्ट फ्लैशलाइट प्लस द अमेजिंग फीचर्स इन द फ्लैशलाइट। लेकिन फोटोज तो ऐसे दिखे जैसे सूरज इतना उजाला कर देगा। तो करो भैया लाइटें बंद करो। फिर जैसे कि आप अंधेरा मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास है एक ब्राइटेस्ट लाइट जिसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। और ये है वो लाइट, ब्राइटेस्ट लाइट, जैसे लोग पार्टियां भी करते हैं, है ना। पार्टीज में जनरेटर नहीं, ये लाइट यूज होती है। था कि मजाक, लेकिन इसका एक और फीचर है जिससे हम अंधेरे में कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ घर से बाहर, और ये है वो चाबी जिसको मैं अभी फेंक के हमारे फ्लैशलाइट के ऐप से ढूंढूंगा। तो मैं इसे फेंक देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको फेंक दिया है और अभी हम इसे ढूंढेंगे अपने ऐप की मदद से। ऑलराइट, तो अभी इसे मैं ढूंढूंगा इसकी मदद से। तो ये ऐप काम करता है ऐसे, और हाँ, इससे मैं अभी ये सारी जगह ढूंढने वाला हूँ। पता नहीं कहाँ होगी मेरी चाबी। और एक मिनट, ये क्या है? ओ शिट, ये तो गाय के ऊपर है। तो अभी 20 मिनट हो गए मुझे ये चाबी ढूंढते ढूंढते, और अभी तक मुझे ये चाबी नहीं मिली है। हाँ भैया, अभी क्या करूँ मैं? गेट को मैंने लॉक कर दिया था, मम्मी भी बाहर गई, 20 मिनट हो गए, चाबी नहीं मिली अभी तक मेरे को। मम्मी भी आने को है, चाबी नहीं मिली, घर के अंदर भी नहीं जा सकते। नहीं बचूंगा, आज मैं नहीं बचूंगा। क्यों करता हूँ यार मैं ऐसी चीज़ें। उस दिन जो हुआ, भगवान करे वो और किसी यूट्यूबर के साथ ना। ये रहता है स्लीप साउंड का ऐप। क्या इस ऐप से नींद आती है? चलो स्लीपिंग ऐप लगा के सो जाता हूँ। वो नींद आ रही थी, वो भी इस ऐप ने उड़ा दी। ऐप नहीं है ये, मेरी परेशानियों का पॉकेट वर्जन है, और इसको स्लीपिंग ऐप नहीं, अलार्म ऐप बोलते हैं। क्या यार, सो भी नहीं सकता, सारी नींद उड़ा दी। और ये कैसे कैसे साउंड है इसमें? फायर का साउंड, और सिर्फ आग की नहीं, यहाँ पे दुनिया भरी के साउंड मिल जाएंगे आपको। और ये क्या, नाइट का साउंड, हाँ, जिससे कि आपको लगे कि आप दिन को नहीं रात को सो रहे हो। उल्लू का साउंड भी इसमें, उल्लू की आवाज से किसको नींद आती है भाई? ऐसी आवाज जिससे मौसम का पता चलता है, नींद का नहीं। क्योंकि मौसम ठंड का है इसलिए रूम हीटर का है, रूम हीटर का है। भाई गर्मी तो आ नहीं रही है इससे, ऐप चल भी रहा है कि नहीं? स्टे काम, हीटर इज वर्किंग। क्या, अच्छा शायद ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, ये बाहर की ठंड में अच्छे से काम कर सकता हो। भैया ठंड लग रही है, लकड़ी जला लेते हैं, चलना यार। हाँ तो रुकना है, लकड़ी जलाने की जरूरत है, मेरे पास एक चीज है जिससे हमें गर्मी मिल सकती है। चल चल, हाथ सेकते अपन दोनों। ये साला फोन के पीछे पागल बच्चे। फिर आता है सीजर ऐप, जो कि पता नहीं पन्नों के अलावा क्या ही काट सकता है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं जब कोई कैची पेपर काट ही नहीं सकती है, तब उसका ऐप फोन में क्यों है? क्यों है?
उसमें तो फोन का इंटरनेट और फोन का स्पेस दोनों ही वेस्ट होता है, और टाइम तो हो ही रहा है। फिर आता है गन साउंड का ऐप, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अबे इससे क्या मच्छर मारूंगा मैं? नहीं मच्छर तो नहीं मर रहे इससे। हेलो 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 अल्फ्रेड उछाल ले, कम ऑन रोजर, हाँ जवाब दो, क्या हो गया क्या हो गया, जवाब दो जल्दी। बताते हुए कोई दुख नहीं हो रहा है कि इस चैनल को चलाने वाले नहीं रहे। कहीं नहीं जा रहा मैं, वीडियो बनाए बिना तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। और ऐसे गोलियों की आवाजें सुन के किसको खुशी मिलती है, जो इसका ऐप भी बन गया। तो अब हम इतना सारा काम फोन से ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पानी भी फोन से ही पी ले। तो उसके लिए आए ड्रिंक वाटर रियल सिमुलेटर, ड्रिंक वाटर रियल। हाँ भाई ये फोन का पानी ही तो रियल है, ये पानी तो नकली है, इतने टाइम से मैं नकली पानी जो पी रहा था। अगर ये ड्रिंक इतना ही रियल है तो इससे मैं किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। और उसके लिए मुझे चाहिए एक फोन और एक दोस्त जिसके सामने मैं ये ड्रिंक पीकर कूल बन सकूं। ए कम ऑन मैन लेट्स ड्रिंक। अरे नहीं यार कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मेरा ड्रिंक तो मेरे पास ही है। वैसे इस ऐप से मैं किसे उल्लू बना रहा हूँ, खुद को। तो अभी आता है पंखे का ऐप, क्या इस ऐप से हवा आती है, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को अभी। सिंपल सा पंखा दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन क्या पता हवा अच्छी है इसमें से। शायद हो सकता हवा आ रही हो लेकिन मुझे फील नहीं हो रही है। इनसे भी काम नहीं बना तो आए हैंड सैनिटाइजर और हैंड स्कैनर ऐप। हैंड स्कैनर ऐप जो आपको बताएगा कि आपको हाथ धोने की जरूरत है या नहीं। बड़ा ही कमाल का सैनिटाइजर है जिसमें से सैनिटाइजर ने सिर्फ आवाज निकल रही है। बेस्ट मिथिकल हैंड सैनिटाइजर इन द वर्ल्ड पॉसिबली किल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ऐसे ऐसे मरेंगे वायरस? नहीं ये तो फालतू है, असली प्रोडक्ट है ये, इसलिए आज ही इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर शायद उन लोगों के लिए जिनको ये सैनिटाइजर यूज करने में या तो शर्म आती है या शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही हाईटेक हो गए। कोरोना के टाइम में सैनिटाइजर का बहुत इस्तेमाल होता है, नहीं इनकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन फिर भी ये 99.9% जम्स ही मारते थे। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा एडवांस सैनिटाइजर बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया ये। तो बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ये वीडियो मैंने पूरे एक महीने में बनाई, मतलब इस वीडियो को बनाने में मुझे एक महीने का वक्त लगा था। वो अलग बात है कि 10-15 दिन तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ इसकी तैयारी मैंने पूरे एक महीने से कर रखी है। और कमेंट कर देना, कमेंट क्या करोगे वो भी तुम्हारी मर्जी में, जो करना। मैं जा रहा हूँ लोगों को असली पानी पिलाने, तो आप लोग मेरे देखते ना अपना क्या लगना यार। बाय बाय। अरे जाओ भाई, बिल आ रहा है यार लाइटों का।